हाय वेलकम टू द पेट एसोसिएशन, माय नेम इज निशान। दोस्तों की वीडियो में फिर से हम लोग कवर कर रहे हैं मुंबई पुणे या महाराष्ट्र किसी ने अवेलेबल कुछ पपीज़ की वीडियो, बहुत ही बेहतरीन ब्रीड का पपीज़ का वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंड में मैं गिव अवे का वीडियो का भी लिंक वीडियो डाल लूँगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उसके साथ बेल आइकन भी दबा देना। जो फर्स्ट जो पपी हम लोग ले रहे पपी नहीं एक्चुअली डॉग है, 1.5 साल की मेल बीगल है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थी क्वालिटी में, हेल्थ में है और स्तर पर लिए भी ये अवेलेबल है और सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप ब्रीडिंग पर्पस में इंटरेस्टेड है या स्टार्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये मुंबई के साथ ऑल ओवर महाराष्ट्र तक भी डिलीवरी हो जाएगा। सो किसी को रिक्वायरमेंट जैसे लगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 15,000 का इसका प्राइस है जो कि मेरे हिसाब से एज पर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और अफोर्डेबल प्राइस। सो नेक्स्ट जो पपी हम लोग कवर कर रहे डवर्मेंट की कुछ यूरोपियन ब्रॉडलैंड की डवर्मेंट की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में कुछ पपीज़ है, हेल्दी पपीज़ है और बहुत ही प्यारी सुंदर ग्रोथ में पपीज़ है। और ये भी अवेलेबल है मुंबई में एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। पपी का देख सकते हैं आप ग्रोथ बहुत ही हेल्दी है और इसका एक सोलो वीडियो भी मैंने डाला है, मतलब सिंगल पपी का, तो उसको भी आपको मिल जाएगा या आप लोग देख चुके होंगे। ये भी अवेलेबल है मुंबई में एंड ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास में ये पपीज़ का भी प्राइजेस है। दोस्तों सेम सेलर के पास अवेलेबल है लॉन्ग कोट का जर्मन सेफर्ड पपी, मतलब मुंबई में ही अवेलेबल है और ऑल ओवर महाराष्ट्र तक भी इसका डिलीवरी हो जाएगा। जर्मन सेफर्ड का काफ़ी अच्छा डिमांड है, इंडिया में बहुत ही हाई डिमांड है जर्मन सेफर्ड का और ऊपर से इस क्वालिटी का जर्मन सेफर्ड है लॉन्ग कोट का और हैवी बोन का तो बात ही कुछ अलग है। ये भी अवेलेबल है मुंबई में एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। देन दोस्तों आते हैं कुछ दर्शन की पपीज़ के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन कलर में, ग्रोथ में एंड हेल्थ में पपीज़ है। दर्शन के मेल फीमेल बोथ पपीज़ अवेलेबल है मुंबई में। दोस्तों दर्शन एक मीडियम ब्रीड होता है और थोड़ा सा लंबा होता है ब्रीड और ये इंडोर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसका मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, दर्शन एक लो मेंटेनेंस है और मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा सा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है बिकॉज ये इन हाउस ब्रीड है और फ्लैट्स में अपार्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर ब्रीड है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, हमेशा खेली है। और ऐसे ही पपीज़ अवेलेबल है मेरा सेलर के पास एट मुंबई एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो इफ इन बडी रिकॉर्ड देन सेलर्स नंबर इज ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, प्राइस वगैरह कन्फर्म कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15,000 का पर पपी का प्राइस है जो कि बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस है मेरे हिसाब से। और पपी का आप सेलर का नंबर दिख रहा है उसमें व्हाट्सअप में वीडियो कॉल करके भी पपी का हेल्प, काफ़ी ऐसे तो हेल्प में कोई इशू नहीं, 40 to 45 डेज का पपीज़ का एज है। देन दोस्तों नेक्स्ट जो पपीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से कवर कर रहे कुछ बेहतरीन क्वालिटी का फ्रेंच में चिपकी पपीज़, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में, जाइंट साइज का पपी है, ऑलमोस्ट 40 डेज का है, फिर भी पूरा अंडर नोज पपीज़ है और फेस पे फुल रिंकल आना शुरू हो गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्दी क्वालिटी में और काफ़ी ज़्यादा प्यारी ब्रीड की पपीज़ है। और इसका भी लोकेशन है आपका लातूर महाराष्ट्र एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा एक जाइंट ब्रीड होता है, बट जब भी आप पपी ले फुल्ली रिंकल फेस देख के ले बिकॉज मिक्स ब्रीड होने का काफ़ी ज़रा होता है, रोटेला के मेल के साथ फीमेल फ्रेंडशिप मिक्स करके भी बनाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब भी आप ले हमेशा ध्यान रखें, अच्छा एक ब्रीडर से लीजिए, अच्छा सेलर से लीजिए, पेरेंट्स का पिक्चर या वीडियो देख के या पपीज हमेशा लीजिए बिकॉज क्रॉस ब्रीड होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। देन अगर दोस्तों सेम सेलर के पास अवेलेबल है पक्की पपी, पक्की मेल फीमेल पपीज़ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 55 डेज टू लेके 60 डेज का इसका पपीज़ है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्दी क्वालिटी में और काफ़ी ज़्यादा प्यारी सुंदर और अंडरनोज पपीज़ है। सो इसका भी किसी को रिक्वायरमेंट हो से सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सेलर का नंबर दिख रहा है उसमें आप वीडियो कॉल करके भी पपी का हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में ये अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 15,000 में मेल और 13,000 में फीमेल पपी अवेलेबल है जो कि एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और ये पपी काफ़ी ज़्यादा वेल ग्रूम एंड वेल मेंटेन पपी है। देन आते नेक्स्ट दोस्तों शो क्वालिटी का लेब्राडोर पपीज, मैसिव लेब्राडोर पपीज है, शो क्वालिटी का इंग्लिश लेब्राडोर, बहुत ही बेटेन क्वालिटी में, बड़े हेड में, हैवी बोन में और शॉर्ट टेल में पपीज अवेलेबल है। सो किसी को रिक्वायरमेंट होने से सेलर का नंबर तो दिख ही रहा है उसमें कॉल करके आप और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, प्राइस वगैरह कन्फर्म कर सकते हैं। ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है और ये जो पपीज़ है पपीज़ का विथ और विदाउट कैसे पेपर का भी ऑप्शन है पपीज़ में, मतलब विथ और विदाउट कैसे पेपर का भी आपको ऑप्शन है, तो पेरेंटल डिटेल सारा मिल जाएगा। ये पपीज़ अवेलेबल है लातूर महाराष्ट्र में एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र।
देन दोस्तों मुंबई लोकेशन से अवेलेबल है अमेरिकन बुली की कुछ बेटर क्वालिटी के पपीज। ये जैसे ऑलमोस्ट 3 महीने के पपीज है, माइक्रो बुली है, तो माइक्रो साइज में पपीज अवेलेबल है, बहुत ही बेटर क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है। और अमेरिकन बुली भी अभी काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड में है थ्रू ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीथ होता है, हेल्दी ब्रीथ होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कुलर लुक का ब्रीथ होता है। सो उसी सब कारण ट्रेंड में है। इनके पास मेल फीमेल बोट पपीज अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही जॉइंट साइज में एक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल 100% प्योर ब्रीड का पपी। ये ब्लैक कलर में भी पपी अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पपी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक मस्कुलर लुक है, उसके ऊपर से एलिफेंट कलर भी बहुत ही प्यारी दिखती है। और अवेलेबल है मुंबई में एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट सेकेंड दोस्तों पुणे से ही अवेलेबल है गोल्डन रिट्रीवर की मेल पपी, ऑलमोस्ट 45 डेज का मेल पपी है। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल पपी है, बहुत हेल्दी पपी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर पपी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ गोल्डन रिट्रीवर का अगर आप पी रखते हैं, बिकॉज गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी ब्रीड है उसको घर में एज ए सो पीस ही रखना पड़ता है, ना कि आपको आप कहीं पे बेलकोनी पे रख दिए, गैरेज पे रख दिए, छत के ऊपर या कोई मैदान पे रख दिए, ऐसा ब्रीड है नहीं। गोल्डन रिट्रीवर एक प्योर होमली ब्रीड होता है, काफ़ी बेहतरीन ब्रीड होता है, बहुत ही प्रीमियम ब्रीड होता है, आपके बच्चों जैसा प्यारा ब्रीड होता है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत ही प्यारी ब्रीड होता है। और ऐसा ब्रीड अगर आप रख रहे गोल्डन रिट्रीवर तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हेल्थ का और कलर का होने से ही बेहतर है, बेकार में एरा गेरा क्वालिटी का या एरा बेरा ब्रीड का, मतलब नाम का लेके जैसे कोई हम लोग पपी रखना शुरू करते, डॉग रखना शुरू करते, तो ऐसे कोई रख लिया जैसे लेब्राडोर का लो क्वालिटी का रख लिया, जर्सी का लो क्वालिटी का रख दिया, बट गोल्डन रिट्रीवर का लो क्वालिटी का रखेंगे, पहले तो आपको अच्छा लगेगा कि कम प्राइस में मुझे गोल्डन रिट्रीवर मिल गया, बट रखेंगे जब 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही लो क्वालिटी का है, जितना हैवी सोचा था हम लोग उतना हैवी नहीं हुए, हेयर भी काफ़ी इतना सुंदर नहीं है और कोट भी उतना खूबसूरत नहीं है, तो खुद पे ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो जब भी आप गोल्डन रिट्रीवर ले, मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा कि ब्रीडर से ले, यही सेलर से ले, बट जब भी आप ले काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ले, अच्छा हेल्थ का ले, और कोशिश करना आप पेरेंट्स का डिटेल्स देख के या पेरेंट्स का पिक्चर वीडियो देख के ही पपी ले, बिकॉज गोल्डन रिट्रीवर में भी बहुत सारा इशू हो सकता है लो क्वालिटी का और हैवी क्वालिटी का। एंड दोस्तों अभी आते हैं पपी के ऊपर, ऐसे ही बेहतरीन क्वालिटी का गोल्डन रिट्रीवर आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है, बहुत ही हैवी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का पपी है। ये अवेलेबल है पुणे में एंड प्राइस है इसका 32,000 एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मेल पपी है और ऑलमोस्ट 45 डेज की एज है। और तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और जितने भी ब्रीथ कवर के वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे। सो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कैसा लगा कमेंट्स करना, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही निकलना।